आई एम एस के मिश्रा एंड आई वेलकम यू। पांच फिर से पांच इडियम्स आपके सामने हैं जो अखबारों में यूज किए जाते हैं, डेली लाइफ में भी बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं। बैट ए थाउजेंड, पहला है बैट ए थाउजेंड, बहुत सफल होना इसका अर्थ होता है। ही हैज बीन बैटिंग ए थाउजेंड, वह बहुत सफल रही है। सिंस ही गॉट द जॉब, जब से उसे जॉब मिली है वो सफलता की सीढ़ियां चढ़ती जा रही है या चढ़ता जा रहा है। अगर यहां सी होगा तो रही है और ही है तो रहा है। वह सफलता की सीढ़ियां चढ़ता जा रहा है जब से उसे जॉब मिली है, नौकरी मिली है। बेयर योर टीथ, दांत इस तरीके से दूसरे को दिखाना जिससे वो डर जाए, तो ऐसा तो जानवर ही कर सकता है। अपने दांतों को खतरनाक ढंग से दिखाना। द डॉग बियर्ड इट्स टीथ एंड ग्राउंड, कुत्ते ने, शायद वो पागल रहा होगा, कुत्ते ने अपने खतरनाक दांत मुझे दिखाए और मेरी तरफ को गुर्राया, ग्राउंड गुर्राया। कुत्ते ने अपने खतरनाक दांत खतरनाक ढंग से मुझे दिखाए और मेरी तरफ को गुर्राया। बैट योर आईज, आश की झाड़ना आंखों से, आंखों से आश की झाड़ना, चाहे वो लड़की झाड़े चाहे वो लड़का झाड़े, दोनों के लिए। बैट योर आईज, आश की झाड़ना। ही केप्ट बैटिंग हिज आईज एट हर, वो उस लड़की की तरफ अपनी आंखें मटकाता रहा, आश की झाड़ता रहा आंखों से। टू बी आफ्टर somebody's ब्लड, इसका अर्थ है किसी का खून का प्यासा होना भी इसका अर्थ हो सकता है, लेकिन यहां पर है किसी से बहुत गुस्सा होना, क्रोधित होना। द बॉस इज आफ्टर माई ब्लड, अरे भैया बॉस तो मुझे खाने को दौड़ रहा है, बहुत ही गुस्सा है। टू बी ऑल अप विद somebody, एक प्रेमी और एक प्रेमिका के बीच का प्रेम खत्म हो जाना, आज से हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं रहा, आज से हमारे और तुम्हारे बीच सब कुछ खत्म हो गया। जब ये कहने की बात आए तो इसका इडियम का प्रयोग करें, टू बी ऑल अप विद समबडी, किसी के लिए सब कुछ समाप्त हो जाना। इट लुक्स, ऐसा मानो ऐसा दिखाई देता है, इट लुक्स एज दो, मानो ऐसा दिखाई देता है। इट ऑल अप विद अस नाउ, इट इज ऑल अप विद अस नाउ, इट इज, इट इज ऑल अप विद अस नाउ, अब हमारे और तुम्हारे बीच सब कुछ खत्म हो गया है, ऐसा लगता है। टू बी ऑल अप विद समबडी, किसी के लिए सब कुछ समाप्त हो जाना, कोई रिश्ता ना रहना। कैसी लगी है मेरी वीडियो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।